जो भाजपा की तरफ से 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह सेवा अभियान जो चल रहा है, उसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मंडल की ओर से स्वच्छता अभियान भी रखे थे। अभी गरीब लोगों को फल वाटअप कर रहा है, फल वाटअप का हम लोग उन लोगों का पेट हम लोग भर नहीं सकते, लेकिन इसमें फल में जो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन जी डी जैसा कोरोना काल के वजह से सबको इम्यूनिटी पावर चाहिए, उसके हिसाब से गरीब लोग को हम लोग फल वाटअप कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक भिवंडी भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत भिवंडी शहर में विभिन्न जगहों पर जनताओं के लिए सेवा कार्यक्रम कर रहे भिवंडी शहर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संतोष शेट्टी व विधायक महेश चौगले जी के मार्गदर्शन में भिवंडी भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मंडल के अध्यक्ष वासम राजेंद्र ने सेवा और समर्पण अभियान के तहत मार्कंडेय नगर गणेश टाकिस परिसर के पास में बसे अखिल भारतीय मांग गरुड़ी समाज भिवंडी संस्था द्वारा बनाए गए बस्ती में घर घर में जाकर गरीबों को फल फ्रूट वितरण किए हैं। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मंडल के द्वारा बनाए गए सेवा और समर्पण अभियान के कार्यक्रम में भिवंडी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष व नगर सेवक सुमित पाटिल, मांग गरुड़ी समाज के प्रमुख दीपक लोंडे, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राजू गाजेंगी, किशन कल्याणप, भूमेश कल्याणप, कोंका मल्लेशम, मोहन कोंडा, प्रवीण मिश्रा, महिला अध्यक्ष ममता परमानी और आदि मान्यवर शामिल होकर गरजू व गरीबों को फल फ्रूट अपने हाथों से बांटे हैं। इस सेवा और समर्पण अभियान के कार्यक्रम के आयोजक भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मंडल के अध्यक्ष वासम राजेंद्र, महिला अध्यक्ष रमा बोदुला, शैलेश मूसम वड्डपल्ली सीधर, कोंडा अनिल, प्रशांत पुजारी, सत्यनारायण तौटम, कुंदारापु भूमेश, कटला मधुसूदन, प्रवीण कोडम, गोपी श्रीपति, महेशनी सुरेश व आदि मान्यवर विशेष मेहनत लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इस अवसर पर साई नमो नमो एसएनएन न्यूज के संवाददाता गणेश चिल्का ने इस कार्यक्रम में आए नेताओं से बातचीत की है, आइए देखते हैं। आज यहाँ पे दक्षिण मंडल की ओर से हमारे दक्षिण मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र वासम जी, हमारे यहाँ के स्थानिक नगर सेवक के जी, महिला अध्यक्ष ममता जी परमानी जी, हमारे यहाँ के नगर सेवक भूमेश जी, हमारे महासचिव राजू गाजेंगी और सभी यहाँ के मंडल के आज यहाँ पे सेवा और समर्पण के भाव से माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे जेपी नड्डा जी के आदेश से पूरे देश में आज कहीं ना कहीं गरीबों को फल वाटप, मेडिकल कैंप, अलग अलग प्रोग्राम हमें दिए गए थे, उसकी पहल आज यहाँ पे दक्षिण मंडल की ओर से फल वाटप का प्रोग्राम आज राजेंद्र वासम और उनके पूरे टीम ने यहाँ पे किया है। गरीब लोगों की सेवा करने का भाव अगर कोई पार्टी में है तो उस वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। भाजपा की तरफ से 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह सेवा अभियान जो चल रहा है, उसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मंडल की ओर से स्वच्छता अभियान भी रखे थे। अभी गरीब लोगों को फल वाटअप कर रहा है, फल वाटअप का हम लोग उन लोगों का पेट हम लोग भर नहीं सकते, लेकिन इसमें फल में जो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन जी डी जैसा कोरोना काल के वजह से सबको इम्यूनिटी पावर चाहिए, उसके हिसाब से गरीब लोग को हम लोग फल वाटअप कर रहा है। उसी तरह हमारा जिला अध्यक्ष जी संतोष शेट्टी जी के नेतृत्व में ये सब कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके लिए उनको मैं भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मंडल की ओर से धन्यवाद देता हूँ। उसी तरह आज मोदी जी का जन्मदिन से लेके 17 तारीख सितंबर से लेके 7 अक्टूबर तक श्री माननीय पंतप्रधान मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में उनके कहने पे आज ये 20 दिन का जो सेवा समर्थ कार्यक्रम चालू है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरा देश में ये कर रहे हैं। वैसे ही हम लोग भिवंडी में हमारा मंत्री महोदय कपिल पाटिल जी और आमदार महेश जी चौगले, हमारे अध्यक्ष जिला अध्यक्ष श्री संतोष शेट्टी साहेब के नेतृत्व में आज हम लोग पद्मानगर में दक्षिण मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र वासम और सुमित जी, मैं, भूमेश अन्ना, कोंका जी सब मिलके इधर गरीबों को फल वाटअप का कार्यक्रम रखा है। प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है, हम लोग जो सप्ताह बना रहे हैं 17 तारीख से 7 तारीख तक, तो जिस तरीके से काम बांटा गया है वो हिसाब से काम चल रहे हैं। आज हमारे दक्षिण भारत आघाड़ी के हमारे राजेंद्र वासम के और हमारे के जी, हमारे संतोष अन्ना जी, हमारे सुमित दादा पाटिल जी, इनके नेतृत्व में आज यहाँ पे फल वाटअप हो रहा है। इससे पहले पश्चिम में, पूरब में ये सब वाटअप हो गया है और यहाँ पे अभी ये एक स्थानिक एरिया है, इनको बांटने के बाद
हम लोग हॉस्पिटलाइज घूमेंगे, वहाँ पे बांटेंगे। ये हमारा ये सप्ताह जो है ये 10 दिन का चल रहा है। जैसे आपने देखा कि सब प्रोग्राम हमारे सक्सेस हो गए, तिरंगा यात्रा हो गया, वोटर लोकल हो गया, और ये फल वाटअप है, स्वच्छ भारत अभियान है, सब चल रहा है। और बीजेपी का ये ऊपर से आया है, संतोष अन्ना के नेतृत्व में हम ये सब काम कर रहे हैं। इसे अपना नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे अवसर पर शुरुआत किया है। पहला दिन शुरुआत हुआ, अपना वैक्सीन का कैंप शुरुआत किया है, फल वाटअप कर रहे हैं और आरोग्य केंद्र में कैंप रख रहे हैं। हर जगह जगह में, हर वार्ड में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं बीजेपी वाले ने। यानी हमारे मंत्री जी का ऑर्डर है कि पूरा सेवा करो, कुछ काम करो एरिया में। तो हम लोग एरिया में काम करने निकले हैं, तो कोई फल बांट रहे है, कोई राशन बांट रहे है, कोई वैक्सीन बांट रहे है, कोई तो अपने ये काम कर रहे हैं कि आरोग्य स्वच्छता अभियान कर रहे हैं। यानी ऐसा करते करते अभी तक चल रहा आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस। पहले मैं सेवा और समर्पण अभियान, इसके अंतर्गत जो संपूर्ण भिवंडी शहर के इसमें भाजपा की ओर से जो फल वाटअप कार्यक्रम जो कर रहे हैं, और इन्होंने एक अच्छा एक मुकाम लिया है कि फल किसको देना चाहिए। जो अति पिछड़े वर्ग में है, जो गरीब है, जो बीमार है, जो हॉस्पिटल वगैरह में जो है, ऐसी जगह पे इन्होंने करने का जो फैसला लिया, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मेरे मांगरौली समाज के इसमें आज फल वाटअप करने के लिए भाजपा के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, नगर सेवक और घट नेता वगैरह, महिला अध्यक्षा, ये सब आए, इनका मैं समाज की ओर से आभार प्रकट करता हूँ।